सीमा महिला किसान देवी आते भी ना देवी कहाँ लाल थी सीमा महिला के साम समिति सीमा देव सीमा महिला किसान समिति सीमा महिला किसान समिति <laughs> अरे देवी ना देवी मैं ये कहाँ ये गोड़ लागे लायर थी देखा <laughs> हमार नाम बा कृष्णा देवी गांव बिशनपुरा पोस्ट बरही सहार थाना से हम <स्थाथ> जैसे कि हम एगो पैसा हाथ पना रहे किसान पुरुष हमने के रहे लोग जो उनके घर के आदमी खाना पीना बना के खिया के लड़कन के खिया के चल जई कटनी पिटनी साथ ही करी तो में कुछ हमने के भाई लोग तो अब आप अपने ही खेती करते हैं ये तो बुझा बुझाता कि मैंने नू खेत होता तो हमने के दो पैसा हाथ पे होता के एक ठाई जमा होता एक ठाई बड़ू

आज अगर हम जब भी कृषि की बात करें तो सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा किसी भी फसल के उत्पादन में महिलाओं का रहता है हमारा जो ये स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर थीम है इस पर केंद्रित है कि महिलाओं को भूमि में उनका अधिकार मिले और जो महिलाएं खेती कर रही हैं उन्हें किसान का दर्जा मिले हर एक महीना में हमने के दस रुपया हमने के जमा कर लीजिए तो जमा करके जब हमने के जमा करते 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 साल भर कुछ पैसा हमने के हो गई तो जैसे कि नहीं ही के महिला किसान हमने के खेती करे लगने जाए तो जो पहले से दस काठा पाँच काठा आदमी ले जैसे जैसे आदमी बेचलस तो दस काठा से एक बीघा पंद्रह काठा मैने आगे आगे आदमी खेती के बढ़ावे लगल तो अपन खेती कर लगे जैसा ही धान काट के आलू रोपम थोड़ा बहुत मसूर रोपम खाली आलू भात खाम का आलू की सब्जी खाली खाए जाम दाल ना खाम कुछ मसूर के खेती करम वही में हमने के धान काट के किचन गार्ड के किचन गार्ड जैसे कि सब्जी नेनुआ नेनुआल लौका भ भिंडी भैल प्याज भी भैल मान सब हमने के सब्जी लगा ले जा अरे सब कोई के मिले बहिन भूमि अधिकार आ गेल समय आ जागे के संसद विधायक बहिन के बनाई बे महिला भूमि के कानून

इस गांव में हम लोग आए थे हम लोग आए थे तो कोई भी बच्ची यहाँ के पढ़ी लिखी नहीं थी और ना तो कोई स्कूल जाते थे तो वहीं से हम लोग शुरुआत किए आज पाँच छः बच्ची ऐसा है जो मैट्रिक कर चुकी ठेपा मारी वो तो आठ सिग्नेचर कर अब करती हाँ थे नहीं थे नहीं। एगो हमार बच्चा रहे तो ऐसे जैसे सब लोग डिल्ली ढाका जा कर जैसे कमाता लोग वैसे वो कमा लेका तब जो एगो बच्चा लड़का रहे जब जो सब भैया लोग बताए लगल अपन अपन बच्चा के बचिया के लोग पढ़ावा लोग पढ़ेबू लोग तो आगे में बहुत अच्छा बा ऑक्सफैम अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तीन स्तरों पे काम करती है एक कम्युनिटी स्तर पे जहाँ पे इन महिलाओं का समूह बन रहा है दूसरा स्तर रहा है प्रशिक्षण का ताकि एक कृषि के साथ साथ अपने अधिकारों को समझ पाएँ और तीसरा स्तर एडवोकेसी इनिशिएटिव का होता है ताकि जो पॉलिसी जनहित के लिए बन के आए उस पॉलिसी में आ, महिलाओं का भी योगदान हो या जो भी उससे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उसकी भूमिका हो जैसे कि जीविका केंद्र पर हमने के आई नहीं जा तो देखिए कोई समस्या होत रहे तो हमने के ब्लॉक पर जात रहे जा जब से हमने के जीविका केंद्र भी जब मीटिंग होकय लग चाहे होकय लग तो देखी इंदिरा के देखी विकलांग के विधवा पेंशन के बूढ़ा पेंशन के सब के मन होक लागल आ जैसे कि हई हाँ हमने के जो हमने हाँ के खाद के ना मिलत रहे खाद के मिले लागल हई हाँ गहम के बीज मिले लागल लाल प्याज के बीज मिले रहे हमने के फिर मूंग मिला रहे सब हमने के का केंद्र भी बहुत हमने के फायदा हो छोटे जो जोत की कृषि कहीं से भी अलाभकारी नहीं है खुद श्रम करके खेती करते हैं इसलिए उनको आजीविका के कुछ स्रोत उनसे प्राप्त होते हैं थोड़ा ना थोड़ा बहुत उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है और आर्थिक सशक्तिकरण होने का कारण है कि उनको सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है तो मान सम्मान पहचान जो है वो भूमि से ही होती है तो इसलिए अगर महिला के नाम से होती है कोई खेत होता है चाहे छोटा सा टुकड़ा भी एक जमीन का होता है तो उनसे मान सम्मान सब जुड़ा हुआ होता है कि फलना का खेत है और सरकार पर भी प्रभाव पड़ा है इसका जो अभी महिला जमीन दे रहा है जो सरकार तीन डिश्मिल चार डिश्मिल करके उसमें महिलाओं का नाम जोड़ रहा है तो इस तरह से एक हम लोग का आंदोलन का असर भी है बहुत घूमले देश देखली बहुत पहले नाथ देखले रहे जौन देश पहले नाथ देखे के रहे उ देश देखली पहले घर से निकल बरही बाजार देखली बरही बाजार देखली शहर देखली सहार देख के फिर वद्राबाद देखली आरा देखली दिल्ली देखली ग्वालियर देखली रांची गैली फिर यहाँ बोधगया आपस में नहीं सहरियाना सबके शोषण से मुक्ति दिलाई दिलेबे सहरिया ना सबके शोषण से मुक्ति दिलाई दिलैब